नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। उसी कार्यक्रम में अंतर्गत एक कार्यक्रम नालासोपारा में एक आयोजित हुआ, जिससे सेक्युलर महामोर्चा नाम की एक सामाजिक संस्था ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम अंतर्गत सेक्युलर महामोर्चा के पदाधिकारियों और उनके साथ के लोगों ने नालासोपारा के मदर मेरी स्कूल से वसंत नगरी एवरशाइन का जो सर्कल है गेट, वहां तक एक मार्च निकाला। और इस मार्च के निकाले जाने में इसमें कई नारेबाजी की, नारे लगाए। साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम को कई लोगों ने वहां संबोधित किया। वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले लोगों का। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग जरूर कीजिए, धन्यवाद। अक्टूबर पर हम सेक्युलरिज्म के बारे में बात करेंगे, सेक्युलर भारत के बारे में बात करेंगे और उसके लिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए। दोस्तों, जैसा हरीश भाई ने कहा, भले ही हम नंबर में कम हो लेकिन हमारी आवाज में बहुत दम है। दोस्तों, हमारे इरादे में बहुत दम है, हमारी सोच में बहुत दम है। दोस्तों, आज हमने एक स्पष्ट इस बात का ऐलान किया है कि सेक्युलर भारत, श्रेष्ठ भारत हमारे साथ कहिए, सेक्युलर भारत, सेक्युलर भारत, सेक्युलर भारत, सेक्युलर भारत। दोस्तों, ये जो काम हम लोगों ने किया है, शायद ही हिंदुस्तान में कहीं ऐसा स्लोगन हो, कहीं ऐसी विचारधारा कहीं पड़प रही हो लेकिन खुल के नहीं आती है सामने। वो विचारधारा को खुल कर आने का एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है सेक्युलर महामोर्चा। यदि आप सेक्युलर विचार को समर्थन करते हो, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हो, तो आइए सेक्युलर महामोर्चा के साथ जुड़िए और पूरे दिल के साथ हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, आप भी हमारे धर्म का सम्मान कीजिए। एक अच्छे भारत के नागरिक बनकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई के सिद्धांत पर चलकर भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना सकते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल संभव है। लेकिन आज हम ठीक उसे विपरीत देख रहे हैं कि हमारे देश को एक ऐसा व्यक्ति नहीं कर रहा जो 100% झूठ बोलता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमें अपने भविष्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। आज सांप्रदायिक के नाम पर इस देश में हर व्यक्ति परेशान है। यह देश अनेकता में और विविधता में एकता का देश है, जहाँ पर जितने धर्म, जितने रिवाज, ही रिवाज जन्मदिन है जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। नहीं, आज में तो जवान रहा, नहीं तो किसान रहा। किसान की हालत तो आपने देख ली, किसान से किसान हमारे रोड पर ऐसे ही मर गए। जवान आज जवान जवान नहीं रहा, 4 साल के लिए उसको जवान बना दिया। तो हमें सारे चीजों को विचार करके अपने राष्ट्र के बारे में, अपने राज्य के बारे में और अपने भविष्य के बारे में और युवाओं के बारे में बहुत बहुत गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। आप सोचिए, अगर देश में जवान और किसान नहीं रहा तो हम नहीं रह पाए। तो जवान और किसान दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जवान देश की रक्षा करता है, किसान हमारे को हमको पेट, हमारे पेट की पूजा करता है। तो आप हमारे लिए ये सबसे बड़ा हमारा काम है कि हम किसान और जवान दोनों की रक्षा के लिए काम करें। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान के नारे को मजबूत करने का भी हमारा अथक प्रयास रहना चाहिए। तो मैं क्या कह, विचार सद्भावना का, विचार सेकुलरिज्म का, एक ऐसा विचार जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। और वर्तमान राजनीति जो नफरत से प्रेरित है, वह इस विचारधारा को प्रतिपल मारने का षड्यंत्र रच रही है। ऐसे समय में इस विचार के साथ जो लोग खड़े हैं, वो यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं, इसीलिए मुझे खुशी हुई है उन सबको यहाँ पर देख करके। संख्या बल में हो सकता है यहाँ पर लोग कम हैं,
लेकिन जिस विचारधारा के साथ ये लोग खड़े हैं वह तो विचारधारा अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए मैं इन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसी के साथ में आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन। गांधी जी ने अगर हमें राजनीतिक जीवन में कुछ सिद्धांत कुछ विचार सिखाए हैं समझाए हैं तो इन विचारधाराओं पर चलना कैसे है यह हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही सिखाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें यह सिखाया कि आप राजनीति में रह करके ईमानदार रह सकते हो, आप राजनीति में रह करके कर्मठ रह सकते हो, आप राजनीति में रह करके अपने काम को सही तरीके से कर सकते हो, एक सादगी के साथ आप जीवन व्यतीत कर सकते हो। मेरे हिसाब से पूरे भारत के राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री जी से उनसे ऊंचा व्यक्तित्व उनसे ऊंचा वर्तमान समय में राजनीति में 56 इंच सीने की बात की जाती है पर वास्तव में जिस राजनेता के पास 56 इंच का सीना था वह लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। इसीलिए आज के इस दिन मैं भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के इन दो महान हस्तियों को शत-शत नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। अभियान के तहत आपने इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया और सबसे पहले मैं महात्मा गांधी जी की जयंती पे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे मैं उन्हें विनम्र अभिवादन व्यक्त करता हूँ। देखिए आज इस देश में ये मानने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है किस प्रकार इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे एक 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 भयानक भारत बनाने का काम किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी जब उनके अंतिम सांस चल रही थी तो उनके मुखारविंद से हे राम शब्द निकले थे। बहुत बढ़िया। ये लोगों को पता होना चाहिए, खासकर ऐसे लोगों को पता होना चाहिए जो इस भारत में और इस श्रेष्ठ भारत में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आज इस देश में भाईचारा कायम करने की जरूरत है और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की जरूरत है और मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि महात्मा गांधी जी को जितना ज्यादा पढ़े जितना ज्यादा उन्हें जाने यह हम सभी के लिए और आगामी जो हमारी पीढ़ियां आने वाली है उनके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने से लेकर इस देश को बनाने तक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम जानते हैं कि अगर वो चाहते तो अपनी जिंदगी राजा रजवाड़ों की तरह जी सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने इस भारत को संवारने का जिम्मा लिया, इस भारत को सुधारने का जिम्मा लिया और भाईचारा कैसे कायम हो उसका उन्होंने जिम्मा लिया, बखूबी उसे निभाया। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज की ऐसी परिस्थिति है और ऐसा माहौल बनाया गया है कि यूं कह सकते हैं कि इस बाजार में नफरत की दुकान खोलनी जा रही है और उस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने ये हमारी संस्था यहां पे उतरी हुई है और ये भाईचारा कायम कैसे हो इसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, हम सबों की है और सभी को मिलकर गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना होगा, उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलना होगा। उनको पढ़ने की जरूरत है, उन्हें जानने की जरूरत है क्योंकि ऐसे कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। बहुत सही। अगर महात्मा गांधी अगर उनकी जो दूर दृष्टि थी जो उनकी सोच थी उस सोच को जानने की जरूरत है और मैं रवि भूषण जी आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज के दिन, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज के दिन आपने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जो आप सच में बधाई के पात्र हैं। आपको मैं लाख लाख बधाई देता हूं। ऐसे कार्यक्रम आप हमेशा करते रहिए और अच्छे कार्यक्रम करते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ सहभागी रहूंगा, हमेशा आपके साथ उपस्थित रहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।